नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोकनिक स्वागत कर रहल छी एकटा नव कार्यक्रम। हालांकि हमरा सभक दुलरी बेटी जे सीरीज है, जे श्रृंखला है, तकरा अपने सब बहुत बेसी पसंद करै छी। अर्थात ओ तमाम बेटी जे मिथिलाक बेटी छथि, जे प्रतिभावान छथि, ओना तऽ समस्त बेटी दुलरी बेटी छथि, मुदा जे प्रतिभावान छथि हुनका लोकनिक जे प्लेटफॉर्म नहि भेट रहल छनि तिनका सबके सहेज कऽ हमरा सब एहि कार्यक्रममे आनै छी। मुदा हमसब एकटा नया दुलरी बेटी कार्यक्रममे एकटा नव कार्यक्रमके शुरुआत कऽ रहल छी, मुख्यतः ई कलाकारके समर्पित कार्यक्रम। तैँ एहि कार्यक्रमके नाम हमरा सब कलाकार रखलहुँ हेँ। कलाकार अर्थात कोनो कलामे अगर ओ अपन योगदान दऽ रहल छथिन, खास कऽ चित्रकला, मिथिला पेंटिंग, सिक्की मौनी या फेर कोनो तरहक, चाहे कोनो माटिके पुतुल होए या कोनो साँचा पर कोनो माटिके दऽ कऽ गढ़नाइ हो, इत्यादि इत्यादि तमाम तरहक जे चीज छै, तऽ ओहन ओहन जे विधामे जे महारथी सब छथि या नवोदित सब छथि जिनका सबके प्लेटफॉर्म नहि भेटै छनि, ओहने ओहने लोकके एहि कार्यक्रममे लऽ कऽ आयब। आओर खास कऽ मिथिला पेंटिंग आओर सिक्की, तकरा बाद जे कपड़ा पर जे बुनाइ होइ छै, एहन तरहक जे कार्य, सुजनी अप्ली कटवा, तऽ एहन एहन तरहक कार्यक्रम कलाकार सब जे छथि से कतौ ने कतौ जे गुमनाम छथि, ओहि सब कलाकारके एहिमे हमरा सब आनब आओर एकटा मंच हमरा सब देबाक जे छै से कोशिश कऽ रहल छी। एहि कार्यक्रमके पहिल अंकमे मिथिला पेंटिंगके एकटा सिद्धस्त हस्ताक्षर, एकटा सिद्धस्त चेहरा जे अपन कलासँ, अपन कला कौशल निपुणतासँ बहुत रास ख्याति प्राप्त कयलनि अछि, सम्प्रति हिनकर नाम डॉक्टर रानी झा छनि। आओ सबसँ पहिले हमरा सब हिनकर स्वागत करियनि। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनन्दन अहाँके मिथिला मिरर। धन्यवाद दिलीप ललित जी, अहाँके एहि तरहक कार्यक्रम जे हेरायल भुतियाल कलाकार सब छथि तिनका सबके अहाँ लोक सब परिचित करवा रहलियनि हँ। चूँकि अहाँ अपनामे एकटा परिचय छी, मिथिला पेंटिंग अगर केओ गोटा करै छथि तऽ रानी झाके, डॉक्टर रानी झाके नहि चिन्हैत हेथिन शायद, ई सम्भव नहि छै। मुदा हम तैयो चाहब जे केओ गोटा देख रहल छथि मैथिलीमे अहाँके मिथिला मिरर पर जे देख रहल छथि, हुनका लेल अपनेक परिचय दुनू पक्षसँ छै समझाना चाहब। हमर नाम डॉक्टर रानी झा भेलहुँ हम, आ हमर नैहर भेल सागरपुर बढ़मुद्रा, आ सासुर भेल, सासुरक नाम मिथिलामे नहि लेल जाइ छै, तथापि जँ भऽ जाय तऽ बाजि ली, तऽ सासुर भेल झंझारपुर कन्हौली। हँ, हम मधुबनीमे रहि कऽ अपन एहिठाम हमर कर्म क्षेत्र मधुबनी रहल, आ एहिठाम हम 1992 एहि क्षेत्रमे लागल छी आ काज कऽ। शुरुआत केना भेलै 1992 लागल छी, तऽ 1992 तऽ शुरू नहि भेल हेतै, ओहिसँ पूर्वे जे छै से एहन तरहक चीज प्रस्फुटित भेल हेतै मोनमे, आओर ओहि टाइममे तऽ मिथिला पेंटिंगके पेंटिंगके रूपमे आब की कहि सकै छी। हँ, एक आधटा पद्मश्री भऽ गेल छलथि हँ, तऽ लेकिन ओ तऽ जितवारेपुर राँटी तक सिमट कर रहै, तऽ जितवारपुर, राँटी या सिमरी, ई तीनटा तऽ हम मठाधीश मानै छी, आब कोइलखो दिस गेलैए, तऽ ओहि परिस्थितिमे कोनो सागरपुर बरमुद्राके बेटी, कन्हौलीके पुतौहु, केना ई चीज केना अयलै? देखियौ, एहन बात नहि छै, कलाकार सबठाम पूरा सम्पूर्ण मिथिलाञ्चलमे कलाकार छलखिन हँ। हँ, एकटा मानि लिअ जेना अहाँ हमरा लगमे पहुँच गेलहुँ हँ, तऽ आब हमरा लोक जानि जायत चाहे जानैए पहिनेसँ। हेरायल भुतियाल बहुत कलाकार, जेना कहलियै ने सागरपुर बढ़मुद्राके बेटी कोना, तऽ हमर, हम अहाँके कहि दै छी जे 1934 जहन भूकम्प भेल रहै, डब्ल्यू जी आर्चर एहिठाके रहथिन, तऽ हमरा गाम गेल रहथिन आ ओहिठाम देवालपरसँ कोबरके पेंटिंग घिचने रहथिन, ओहिमे एकटा हमर दादीके फोटो रहै, बहुत सुन्दर, आ ओ एखन लागल अइ ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदनके जे लाइब्रेरी छै ओहिमे लागल अइ। तऽ कलाकार तऽ सभदिन छलै, अहाँके मिथिलाके परम्परा रहलैए यौ, ताहि दिनमे हम देखियै हमरा सभके समयमे, जाहि समयमे हमरा सभके दुरागमन भऽ गेल ओहि समयमे ई परम्परा कनि छीन भेल जाइत रहै, लेकिन सुनिए जे जहन साँठ खोलल जाय कनियाके, दुरागमनिया कनियाके, तऽ सभसँ पहिने दाइ माइके नजरि रहै छलनि हँ जो लुरि व्यवहारके पेटी केहन छै, आ ओहिमे देखै छलखिन हँ, देख कऽ बुझि जाइ छलखिन हँ जे कनिया लुरिगर छै कि अलुरि छै। ओकरा बाद भरफोरीके दिन, भरफोरी जे दिन हेतै रातिमे, तऽ भोरमे अहल भोर उठा कऽ कनियाके नहाओल जाइ छलैए, आ कोबर निपायल जाइ छलैए,
आ ओहिठाम अरिपन दिआएल जाइ छलै कनिआसँ, तऽ ओ कनिआ पीठा पीसल पिठारके आँगुरपर कोना उठबै छै ओहिपर एकदम दाइ माइके नजरि रहै छलै, जकरा आँगुरपर पिठार उठबऽ अबै छै अरिपन देनाइ माइ दादी सिखेलकैए कि नहि, तऽ लुरि व्यवहारके हमरा ओहिठाम परम्परा छलैए अदौसँ बहुत दिनसँ आबि रहलैए। तऽ हम जहन अहाँके अएलहुँ हँ, हमरा कनेक संस्कार हमरा खूनेमे छलै, हमर भाइ छथि डॉक्टर राधेश्याम झा, ओहो बहुत नीक चित्र बनबै छलाह, मने हमरा सबके मोने हमसब जहन बड़ छोट रही तऽ लुरि व्यवहारवला जे बक्सा बनबैके तैयारी होइ छलै कुमारि लड़की सबके, तऽ ओ तकिया खोल चद्दरि बनवला ओ फूल हिनकेसँ कढ़बबै छलनि हँ आओर सही काढ़ि दै छलखिन हँ। हमर पिता सेहो कहाँ दन बड़ सुन्दर कलाकार, हमसब लिखित नहि देखलियनि लेकिन बहुत नीक कलाकार रहै, तऽ हमरा खूनमे छलैए आओर हमरा ई बड्ड शौख रहै जे पेन्टिंग बड़ नीक चीज छै, चरखा चलिए गेलै लोकके सूत चरखा काटब तऽ चलिए गेलै, तऽ आब पेन्टिंग एखन आबि रहलैए तऽ हमरा खूनमे अछि। आओर हमरा अहाँके कहि दै, हमरा कहऽमे कोनो दिक्कत नहि, हमर नोटबुक जे हम जे पढ़ै छलहुँ हँ तऽ आधासँ ऊपर ओ पेन्टिंग भरल रहै छलैए, कखनो किछो देखलहुँ तऽ अपन बनायब शुरू कऽ देलहुँ। तऽ 92 हम एहि दुआरे मधुबनीमे आयल रही जे सेवा मिथिला एहिठाम रहै, तऽ ओहिठाम देखलियै बहुत कलाकार सबके काज करै, तऽ हम पता करियै एतऽ जा कऽ हम कनि देखियै केना की भऽ रहलैए, तऽ हम एतऽ आयल रही आ ओहिठाम देखलियै, हम सिखलहुँ सिखलहुँ खूनमे तऽ रहबे करै, ओ आओर जहन देखा देखी होइ छै किछु नहि, जहन माहौलमे लोक जाइ छै तखन अहाँके जे भीतरके क्षमता रहै छै ओकर आओर विकास होइ छै, तऽ हम हुनका सबके देखा देखी बनबऽ लगलहुँ। लेकिन ओहिठाम हम कलाकार नहि छलहुँ हँ, हमर जे ज्वाइनिंग भेल छलै केस वर्कर कऽ कऽ, सोशल केस वर्कर एकटा पोस्ट छलैए जे ओहिठाम जे शॉर्ट स्टे होम चलै छलैए ओहिमे इन्वर्ट्स जतेक अबै छलखिन हँ हुनकर केस स्टडी कऽ कऽ ओकरा हुनकर सबके लाइफ हिस्ट्री लिखनाइ रहै छलैए, तऽ हमरा लिटरेचर अपना पिता पक्षसँ पितृपक्षसँ भेटल अइ, लिखहोमे हमरा ततबे मोन लगै छलै, तऽ हमर सबके लाइफ हिस्ट्री हम देखै छलियनि हँ आओर सुनै छलहुँ हँ, हुनकर काउंसिलिंग केलहुँ आओर लिखलहुँ, तऽ हम जे देखियनि हुनकर सबके जीवन तऽ हमरा भीतरमे बहुत ई लागै जे हे भगवान, हमर मिथिलाके महिला जे सीताके किए तऽ एहिठाम लोक उदाहरण दै छै जे बड़ दुखो लगै छै, तऽ लोक कहै छै कि जे तोँ जा दहक सीताके, जहन सीताके दुख दुख भेलनि तऽ तोरा तो हँ हँ तोसब हमसब कोन, तऽ से काटि काटि कऽ एहिठामके महिला सब जीवन कटलकै, हम ओहिठाम देखलहुँ बहुत जवान विधवाके देखलहुँ, तऽ हुनका सबके प्रशिक्षण देल जाइ छलनि, तऽ हमरा मोनमे होइ छलै आ हम इहो देखलियै जे हुनका सबके भीतरमे किछु ने किछु कला रहै छलनि हँ, ओसब व्यक्त जहन करै छलखिन हँ, केओ पेन्टिंग करै छलीह हँ, केओ सिक्कीके काज करै छलीह हँ, केओ सुजनी बनबै छलीह हँ, केओ एप्लिक करै छलीह हँ, केओ माटिके मूर्ति बनबै छलीह हँ, मने पेपर मैसेके काज करै छलीह हँ, सबमे हम देखलियै, तऽ हम कहलियै कि जे मने हमर जे मिथिला अइ एहिठाम स्वायत्त आर्चर आ कुलकर्णी पगला गेल रहथिन, मतलब हुनका दिग्भ्रमित भऽ गेल जेना अथी भऽ गेल रहनि जे देखथिन आर्चरो जहन आयल रहै तऽ देखलखिन पूरीके देखै छियै ढहल ढन बनायल देवाल छै, चित्र छै कहै छै लोक पेट भरल रहतै तहन श्रृंगार करतै लोक तखन ओकर बात पुराइ छै, एहिठाम तऽ देखै छियै भूखलो पेटमे सभक हाथमे कला छै, घैलची राखल हँ तऽ ओहूमे डिजाइन, निपने जे छै घर ओहूमे खाड़ काटि कऽ ओहूमे डिजाइन केने छै, एकटा लावनि जे छै ओहूमे छै ओहूमे, एकटा गोनर जे बुनने छै गरीब पुआरसँ ओहूमे तऽ सुन्दर डिजाइन देने छै, तऽ ई की भेलै। सुजनी देखै जे फाटल छै, फाटल कपड़ाके एकदम सीब सीब कऽ ओहिपर जब सीबऽ लागल तऽ ओहूमे डिजाइन बना देलकै, तऽ ओहिना तऽ नहि दिख मने अथी भेल रहथिन, तऽ हमरा प्रेरित केलक जे, लेकिन एकटा चीज हमरा बड्ड अखड़ै छलै ओहू समयमे जे गणमान्य कलाकार रहथिन तिनका तऽ बहुत सम्मान रहनि, सामान्य जे कलाकार रहथिन
हुनका सबके बड़ा निरीह जकाँ बुझल जाइत रहनि। एहिपर हम अबै छी। बड़ा नीक जे छै से बातसँ बात निकलै छै। एकटा बहुत सुन्दर चीज कहलनि जे भित्तचित्र जकरा हमरा सब कहै छियै, पहिले भीतर घर रहै छलै, ओहि भीतर घरमे देवालपर या टटघरो जँ रहलै तऽ ओहिपर नाना तरहक जे छै चित्र बनायल जाइ छलै। दोसर बात एकटा बड़ सुन्दर चीज कहलनि हँ जे पिठार केना उठेतै, ओतऽसँ ई पता चलि जाइ छलै जे हिनकामे बहुरिया जे एलखिन, जे कनिया एलखिन, ओ कतेक गुणी छथि। आब आबि जाउ अरिपन दिस। बात हमरा सब एकटा मिथिला पेंटिंगके कलाकारसँ कऽ रहल छी, लेकिन केना एक शब्द दोसर शब्दके, एक कला दोसर कलाके जोड़ै छै, तकर एकटा बहुत सुन्दर उदाहरण जे पिठार लऽ कऽ जे अरिपन बनायल जाइ छै। आब बहुत गोटा एकरा जे छै से फेरसँ एहिपर कम्पिटिशन शुरू कयलनि हँ। ईसब सब सबकिछु होइ छै। अपना ओहिठुनका बच्चा जकरा विरासतमे अष्टदल होय या नानान तरहक चीज होय जे अरिपन विश्वविख्यात भऽ सकै छलै, तकरा हमरा सब बिसरि गेलियै, चलि गेलहुँ रंगोली दिस, पुरुकिया बिसरि गेलियै, पहुँच गेलहुँ गुजिया दिस। तऽ एना हमरा सभक संस्कृतिके क्षरण होइत गेलैए। एकटा समय छलैए, ई समय हमहूँ देखलियै, लावण सेहो अपना घरमे बनैत देखलियै, टाटपर चित्र देखलियै, कारण हमर मैया बड़ बहुत गुणी छलै, बहुत चाहे ओ अचार बनेनाइ होय, चाहे ओ सुजनी सीनाइ होय वा जे चीज होय, ईसब अपना घरमे अपना समयमे हम देखलियैए। तऽ जखन एकरा फेर लऽ कऽ चलै छी अहाँसबके, ओ तीन टा गाँव जे सिम्बॉलिक छलै, कहबे कयलनि हँ जे प्रसिद्ध कलाकार छथिन, हमहूँसभ तऽ तहिए जाइ छी इंटरव्यू करय, लेकिन आब नहि, आब सब कलाकारके हमरा सब अनबनि। शुरुआत एकटा सिम्बॉलिक, लेकिन ओहिमे जे उपेक्षित छथि, उपेक्षित कहनाइ जे छै से नीक बात नहि, कारण कलाकार केओ गोटा जे छै से ओ गुणवान छथि, हुनकामे गुण जे छै से विद्यमान छनि। खैर, तऽ मिथिला पेंटिंग होय या टोकरीमे सूत कटनाइ होय या एप्लिक करबाक होय, सुजनी वर्क होय, ओहिमे एकटा कलाकारके रूपमे नहि अबै छलखिन, बाल विधवा भऽ जाइ छलखिन हँ, तऽ जीवन यापन करबाक लेल मजबूरी भऽ जाइ छलैए। तऽ आखिर जे मिथिलामे कलाके एतेक सम्पन्नता रहै जे केओ बड़का बड़का आदमी विदेशसँ आबि कऽ एतऽ मोहित भऽ गेला, मुदा ओ की कारण रहै जे हमसब हमर सभक समाजके जे दीनहीन जिनका समाज बुझै छलनि, तिनका मतलब पेट चलेबाक लेल जे आइ विश्व जकरा पहचान देलकै, आखिर ओ केहन समय रहै आओर किया समाजक एहन सोच छलैए? देखियौ, समाजक एकटा सोच रहै जे हमरा ओहिठाम सती प्रथाके रहै नहि, तऽ जे बाल एकटा जो सामाजिक बाध्यता जे रहल हो, ओ इतिहासमे हम नहि जायब, लेकिन ई तऽ बुझै छै जे बहुविवाहके प्रथा रहै, ओहिमे एकटा पुरुषके मुने 20-25 तक विधवा सिनुरा कऽ गेलखिन, ओ हुनका देखबो नहि केलखिन ठीकसँ, लेकिन हुनकर नामक सिन्दूर चूँकि एक रति भिरा देने रहथिन, ओहि नामपर ओ जीवन खेप जाइत रहथिन। तऽ जीवन काटऽ लेल तऽ किछु बहाना चाही नहि यौ, हरदम तऽ लोक खेनाइए नहि बनेतै, हरदम लोक घरेके काज तऽ नहि करतै, किछु तऽ अनमनामे लगतै। ओहि सब तरहक महिला बेसी एहि लाइन एहि क्षेत्रमे एलखिन, हम देखै छलहुँ हँ, हाल तक हम देखलियै। हमरो सबके जे उपनय मधुश्रावणी आ पञ्चमी होइ छलै, ओहिमे ओ महिलाके देखल जाइ छलनि हँ जे लुरिगर होइ छलखिन हँ, विधवा रहलखिन, तऽ ओ लोकनि आबि कऽ सबटा विध व्यवहारके अरिपन पुरहर जे जहाँ हेतै सबटा करै छलखिन हँ। एक तरहसँ ओ पण्डितानि होइ छलखिन हँ, ओ बिनी पढ़ब होइ चाहे मधुश्रावणीके कथा कहब होइ, सबटा कहै छलखिन हँ हुनका ओ हुनका ओकर बदलामे अन्न वस्त्र देल जाइ छलनि, तऽ ओ व्यवस्था छलैए। आ एकठाम आबि कऽ हमरा एखनो तक नहि हमरा ई फरियाएल बातमे जे एहन सुन्दर चीजके जेना अरिपन जे प्रति महिलेटाके एकाधिकार रहल हँ, ई हम मानलहुँ जे तंत्रपर पुरुषके रहल, लेकिन हमरा लोकनि जे अरिपन देलियै ओ तंत्रक आडम्बरसँ बिल्कुल मुक्त छल। हँ, आधार भलै तंत्रके छलैए, जेना अष्टदल हमसब अष्टदल लेलहुँ, लेकिन आब जेना देवउठाउनके अरिपन ओतऽ कोनो तंत्र नहि छै, ओहिठाम झाँझ करऽ छलै या जतेक घरक वस्तु जतेक समान, हँ, या जे अभिलाषी छी जे चीज के लेल, तऽ
ओ सब तरहक जे महिला छलखिन हँ, अइ ओ अपन जे हुनकर जतेक भीतरके अहाँ अन्न ओकरा दऽ दै छलियै, वस्त्र दऽ दै छलियै, चाहे घरमे गुजर करऽ जोड़क हुनका भऽ जाइ छलनि हँ, ओतबे टा जरूरत नहि होइ छलै जीवऽके लेल ने, तऽ ओसब अपनाके अनमनामे लगा लै छलखिन हँ। ओ जतेक हुनका मोनके रहै छलनि हँ दमित इच्छा, ओ सबटा चित्रमे व्यक्त करै छलखिन हँ, अरिपनमे व्यक्त करै छलखिन हँ। कोबरमे कहै छै ने, ओ कोबर तक कात कनिकाले हम कात करै छी, अहाँ जगदम्बा देवी बाल विधवा रहथि, हुनकर एखन तक जे सबसँ सुन्दर चित्र मानल गेलनि हँ ओ रास छै, ओ कृष्ण आ राधाके जे ओ संयोग छनि ओहिठाम, मतलब गजबके सम्मोहन ओहि चित्रमे छै। कि जगदम्बा देवी तऽ कोनो दाम्पत्य जीवनके बेचारी नहि बुझलखिन, लेकिन हुनकर जे भीतरमे कृष्णके प्रति जे छलनि हँ, जेना हम कहि सकै छी जेना मीरा नहि अपन प्रेमके भक्ति, हँ तहिना हम जगदम्बा देवीके चित्रमे के मानि सकै छी जे हुनकर भीतर जे छलनि हँ इच्छा, तऽ ओ एकटा जगदम्बे देवी टा नहि, अहाँ जतेक कलाकारके देखबनि भीतरमे झाँकि कऽ देखबै ने, तऽ सबके दर्द छै भीतर, ओ चाहे केओ रहथि, जतेक पद्मश्री भेलीह हुनकर सबके अन्न वस्त्रके नहि किनको दिक्कत छलनि हँ, छलनि हँ ओ अलग बात भेलै, ओहिसँ इतर सबहक जे भीतर छलनि हँ जे दर्द छलनि हँ, तऽ ओ सबटा व्यक्त केलखिन हँ। आ जँ केओ कहै छै जे समय छलै बनि गेलखिन, नहि, ओ सब बहुत संघर्ष केलखिन, बहुत संघ, आइ गोदावरी दत्त जाहि तरहक संघर्ष केलखिन हँ मामूली बात नहि छै, ओ नहि बजै छथिन लेकिन हुनकर भीतर अहाँ झाँकि कऽ देखबनि तब गजबके। महासुन्दरी देवीके लऽ लिअ, सीता देवीके लऽ लिअ, बौआ देवीके लऽ लिअ, हम तऽ सभक जानै छियनि, हम नजदीकसँ देखने छियनि, गंगा देवीके लऽ लिअ, जगदम्बा देवीके जे पहिल पद्मश्री भेली, सभक जीवनी देखबै अहाँ तऽ कुल जखन हम देखै छियै, तऽ हम मनोविज्ञानके छात्रा रहलहुँ इंटरमीडिएटमे, मने आइए तक हमर मनोविज्ञान छलै, तऽ हम देखिए हम एकटा ओ पढ़ने रहिए फ्राइडके, जे इच्छा जे छै से मरै नहि छै, दबि जाइ छै लेयर मोनके जे लेयर छै छै ने, तीन टा पार्ट, कॉन्शस, अनकॉन्शस, सबकॉन्शस। आब मानि लिअ कोनो कलाकार जे हमर गणमान्य मतलब बहुत शीर्षस्थ कलाकार, ओ बाल विधवा रहल हेथिन, ओ जे कोनो अहिबातीके देखैत छल हेथिन लाल चूड़ी या लाल साड़ी, किया हुनका नहि इच्छा भेल हेतनि? बिल्कुल, मनुख छलखिन ओहो ने, पाथर नहि छलखिन, बहुत तरहक इच्छा अनिच्छा सब तरहक बात मोनमे आयल हेतनि, तऽ की केलखिन? ओ जतेक हुनका इच्छा रहनि भीतरमे, तऽ ओ जे छै ओ इच्छाके फोर्सफुली दबा तऽ गेलै, मरलै नहि, ओ कतऽ उतरलै? देवाल पर, अरिपनमे। ततेक कटगर अरिपन हुनकर सबके हाथके होइ छलनि हँ, आ हम अपना गामोमे देखै छलियनि, हमर पिताके एकटा मामी रहथिन, हुनकर हाथक अरिपन हमरा एखनो नहि बिसरल जाइए, ओहो बाल विधवा रहथिन, एतेक सुन्दर कटगर ओ अरिपन बनबथिन। हमर माँ जे छलीह ने ओ सीतामढ़ी साइडके, तऽ ओ पचबरिया कहल जाइ छै एखनो, पचमाही, तऽ हुनका अरिपन नहि अबै छलनि हँ, गीत हुनकर बड़ सुन्दर होइ छलनि हँ, तऽ हमरा सबके पठा दै छलीह, हमर सबके एकटा ठाढ़ीके बाबी छलीह पितियौत, हुनका अङ्गना पठा दैतथि, हे जा हुनका ओहिठाम, काकी ओहिठाम जा, ओ हुनका काकी कहै छलनि हँ, तऽ हुनका ओहिठाम जा कऽ तू अरिपन देनाइ सीखऽ। ओ ई छलैए जे अरिपन तोरा आबऽके छौ बिआहसँ पहिने, अरिपन नहि सिखबी तऽ हमरा ओतऽ सब कहत जे मायके नहि अबै छै, एतऽ तऽ हम झाँपल तोपल रहि गेलहुँ, ओतौ तू उघार करबै हमरा जे हम पचमाही छी, तू अरिपन सीख। तऽ हम जाकऽ अपना बाबीसँ अरिपन सीखै छलहुँ हँ, आओर अरिपन लिखलहुँ। तऽ हम ई जे कहऽ लागल रही जे फ्राइडवला बात, तऽ ओ हमर महिलासभ
अपनाके व्यक्त कयलनि देवाल पर भूमि चित्रमे। इएह कारण अइ जे मिथिलामे 10 वर्षक विधवा तक 8 वर्षक विधवा तक भऽ जाइ छलै, जीवन काटि लै छलै ओ कतौके कोनो क्षेत्रक अपेक्षा, भारतवर्षके विश्वके अपेक्षा कहै छी, जे तरहक त्रासदी ओ भोगलकै ओहि हिसाबे बड्ड कम। एकटा चारित्रिक चारित्रिक जहाँ तक बाजैके शुरुआत सीता कयलनि हँ, कहबे कयलखिन हँ जे एकटा पुरुषके मरलाके बाद कमसँ कम 20-30 महिला जे छै से विधवा भऽ जाइ छलथि हँ, एहन तरहक जे छै से। आओर हम एकटा चीज कहै छी, बेर बेर कहै छी जे महिला स्त्रीगण केना कमजोर भऽ सकै छै जे नारी पुरुषके जन्म दऽ सकै छथि। तिनका जे केओ गोटे अवला कहै छथिन ओ दिमागी रूपे जे छै से सबल नहि हेता, तैँ जे छै से स्त्रीके केओ गोटे अवला कहैत हेथिन। जाहि जगहके परम्परा एतेक धनिक छलैए जे चलू बरसाइत हेतै तऽ ताहिमे गुड़िया बनै छलैए, बड़कनिया बनै छलै, ओहिमे नानान तरहक जे छै से चीज। आब ओहिमे एक सङ्गे गाँवमे 10-20 विवाह होइ छलै, ताहिमे ककर गुड़िया कतेक सुन्दर रहतै, कनिया पुतरा कतेक सुन्दर रहतै से भेल, ककरो कोनो नाग नागिन माटिके विवाहमे आबि जाउ, हाथी ओहिठाम जे छै से केहन तरहक, ईसब कुम्हारक काज नहि छलैए, ईसब आम लोकक काज छलैए। एम्हर आबि जाउ सामा चकेबा, चाहे ओ झाँझी कुकुर होइ, सामा होइत, चकेबा होइत, चुगला। एकरा बाद जखन कोनो लड़कीके विवाह ठीक होइ छलनि हँ वा विवाह ठीक नहियो होइ छलनि हँ, विवाह योग्य भऽ गेली तऽ मायसँ टका लऽ कऽ गेरुआक खोल, घरक पर्दा, ओहि तमाम चीजपर कुरुष लऽ कऽ कढ़ाइ होइ छलै, जकरा एप्लिक कहियौ, जपल जकरा जे कहियौ। तऽ ईसब चीज किया मरि गेलै? अहाँ सङ्गे हम सिर्फ एकटा पेंटरके नाते एहिठाम अहाँसँ बात नहि, एकटा मिथिला पेंटिंगके कलाकारके नाते बात नहि, एकटा रिसर्चर छी अहाँ, विधिवत पढ़ि लिख कऽ डॉक्टरी केलहुँ हँ, तैँ हम ईसब चीज जे छै से अहाँसँ पूछै छी। आखिर ईसब चीज किया मतलब विलुप्त होइत चलि गेलै, जाहि संस्कारमे जाहि जगहपर एतेक तरहक कला, मतलब हर आज जन्मू आओर ओहिठामसँ अहाँके कला जे छै से एहि समाजसँ भेटनाइ शुरू भऽ जाइ छै। आइ हमहीसभ ओहि राजस्थानी हैंडीक्राफ्टके लऽ कऽ जाइ छी, लेकिन अपन जे ओ कनिया पुतरा जे गुड्डा गुड्डी छलै, तकरा वर कनिया झाझी कुकुर सामा चकेबा, ईसभ तमाम चीजके हमरासभ बिसरि जाइत रहलियै। देखियौ कनिया पुतरा हमरा सभके बच्चामे बरसाइतमे तऽ होइते छलैए, ओ सब लक लगेने रहै छलैए जे फलाँके बरसाइत हेतै तऽ कनिया पुतरा हो, आ ओ जेठमे होइ छै, जेठक अमावस्यामे भेलै ओकरा खेलेलक, आ साओन भादवमे कहल जाइ छलै जे ओकरा नहि राखि लिअ, नहि तऽ भाएके गाड़ि पड़तै। आ एक तरहसँ जेना प्रशिक्षण होइ छलै, हमसभ ओहिमे की केलहुँ तऽ बर कनियाके बियाह करेलहुँ, भार सठलहुँ, एक आदमी एकटा हमर सङ्गी बनि गेल बरक पक्ष, केओ बनि गेल कनिया पक्ष, आब ओकर सबटाके बरियाती गेलै, फेर जेना जेना होइ छलैए ओ आ मतलब सम्भावित जे ओकर जीवन रहै छलैए आगू आबयवला, ओकर एकटा प्रशिक्षण जकाँ ओ ओहिमे देखाएल जाइ छलैए। अहाँ पूछै छी जे ओ लुरिसभ किया खतम भऽ गेलै, ई तऽ मानऽ पड़त जे परिवर्तन शाश्वत छै ताहि दुआरे जे भेलै, लेकिन एकटा चीज हमरा सभमे बड़का दुर्गुण आबि गेल जे हमसभ अपन चीजके पहिने सबसँ पहिने छोड़ऽ लगलहुँ। अंग्रेजी बाजऽ अबै छनि तो बड्ड लुटगर, बड्ड तेज छै पढ़ल, आ जे खूब सुन्दर मैथिली बजै छै, खूब सुन्दर मैथिली गीत गबै छै तऽ ई भुच्चर छै, ई देहाती छै। ई सब चीज हमरा सभके ओहि चीजके प्रभावित केलक, ओहि जगहपर दोसर दोसर चीज आबि गेलै। एखन रंगोली नवका तुरक लोक जे छथि हुनका रंगोली बनबऽ कहियौन एके अङ्गुरसँ, जखन कि अपना ओहिठाम एक अङ्गुरसँ अरिपन अशुभे टामे लिखल जाइ छै, ओ द्वादशाके अरिपन एक हरा अरिपन बस बस एकटा गोल शून्य शून्य बस सिन्दूर नहि, किएक तऽ अरिपनके अहाँके बड्ड महत्व अछि ने, ओ जे तीन लाइन होइए ओहिपर जे सिन्दूर देल जाइ छै, ब्रह्मा विष्णु महेशके प्रतीक मानल गेलै, ओ अपूर्ण छथि जाबे ओहिपर सिन्दूर नहि पड़तै, स्त्रीके महत्ता रहलै।
हम ई जे कहलहुँ जे एतेक बाल विधवा भऽ जाइ छलखिन ओ सामाजिक बाध्यता जे रहल होइ आ इहो बात छै आ तकरा बादके जे खाड़ी छै तकरा बादो जे स्त्री हमर दबल रहल हँ तऽ एकटा बात तऽ बुझै छी जे समाज ओ कोनो समाजमे जे कोनो प्रथा बहुत दिन तक टिक जाइ छै तऽ ओहि समाजके ओ आदत जकाँ भऽ जाइ छै ओहिसँ निकलब करै कठिन भऽ जाइ छै तऽ लुरि व्यवहारके मामलामे सबसँ पहिने हमसभ अपन जे पुरान छलै परम्परा जेना देखियौ तकिया खोल जे अहाँ कहलहुँ हँ चादर रङ्ग बिरङ्गके ओ कुरुसके थाल पोस जकाँ बनाकऽ बहुत तरहक दुसूतीपर टीप दऽ कऽ सिन्धी सिलाइ ओ कसीदा सबचीज ओहिमे बक्सा एकटा रहै छलैए ओकरा जेना गोन कऽ देलियै हमसभ ओहि जगहपर हमसभ दोसर रेडीमेड सामानसभ बेसी चकाचक आनि कऽ बक्सामे भरि देलियै बुझेलै जे इएह अपन बड़का चीज छै तऽ ई एहिमे हमर पूरा समाजके एहिमे योगदान भऽ गेल हमर सभके जहन हम एकर अन्वेषण करऽ लगलहुँ तऽ हमरा इएहसभ कहलक जे धौर आब के ओतेक काले करतै नहि के ओतेक काले करतै एहिमे देखै छलियै जे मानि लिअ जे दुर्गमनिया जे साँठ होइ छलै ओहिमे पर्स जेना मानि लिअ एखन बाजारसँ वएह कढ़ायलके अइ तऽ हमरासभ लै छियै ओहिमे बीमा बनलै धामा बनलै अलग अलग तरहक चीजके लेल आब जो जुन्नेसँ बनायल चीजमे जे आब की अगिला सालके लेल बीआ पारबाक लेल धान रखबाक छै तऽ ओहि जुन्नामे राखि दै छलै ताकि ओहिमे मॉइस्चर जे छै मोड़िमे सुन्दर सन बनाकऽ ताकि ओहिमे मॉइस्चर जे छै से बरकरार रहतै ओहिमे कोनो तरहक अथी नहि लगतै तऽ की कहि सकै छी एहिपर तऽ जतेक हमरासभ बात करी जे देल जाइ छलैए बेटीके चाउर नहि देल जाइ छलैए धान देल जाइ छलैए ओ धान ओहिना फेंक नहि देल जाइ छलैए ओ छलैए एक तरहसँ ओ एकटा बीज मने बीआ आनै छलैए दोसर घरसँ गाँवसँ दोसर गाँव एक माटिसँ दोसर माटिपर रोपल मतलब हम ओहिना नहि अयलहुँ हँ लक्ष्मी लऽ कऽ अयलहुँ हँ आ एकटा सृजनके एकरा जे हम माटिमे बाउग कऽ देबै तऽ ईसभ नया संरचना जे छै से तऽ ओ धान देल जाइ छलैए धान पान आ हमर सभके जतेक प्रथा छलै मिथिलाके ओ कतौ नहि ई देखबैए जे अहाँके एतेक पाइ हैत तखने ई सम्पन्न कऽ सकै छी खोँइछमे की छलैए धान पान दुबि धान किछु नहि तऽ ओहिमे हमर एकेटा हम नवका खाड़ीके तऽ दुख देबे करै छियनि मतलब हुनकर सभके कहब छनि जे आब के ओतेक काले गुड़िया गथतै लेकिन ओ गुड़िया गाँथबके की आनन्द छलैए कोना हमसभ गर्मियो मासमे आमक गाछीमे तऽ रहलहुँ तऽ ओ सुई डोरा लऽ कऽ आ कपड़ा लए कऽ जाइ छलहुँ हँ तोहर केहन टिप भेलऽ तऽ तोहर केहन टिप भेलऽ तऽ एहिसभ तरहक जे आदान प्रदान छलैए लुरि व्यवहारक ओ परम्परा तहिया तऽ ओ आनन्दके चीज छलै लेकिन आब व्यावसायिक छै हमरासभ अगर ओहो टाइम अगर व्यावसायिक मानने रहितै नहि हमसभ अहाँके एकटा बात हम बता दै छी जे ओ सभके एहि दुआरे भेलै अहाँ सही कहलियै जे व्यावसायिकता व्यावसायिक चेतनाके एहिठाम अभाव रहलैए निश्चित रूपसँ एहिठाम अहाँके ई नहि छै जे अहाँ बड़ धनिक छी अहाँ तैँ अहाँके बड्ड लोक मोजर देत ई नहि अहाँ विद्वान कतेक छी तऽ व्यावसायिक चेतनाके जहन पुरखोमे अभाव रहलनि तऽ स्त्रगन तऽ हमसभ तऽ घरक भीतर रहै छलहुँ हँ मैथिल मात्र हँ हँ तऽ व्यावसायिक चेतनाके अभाव रहलै तऽ ओसभ चीजसँ पाइ तऽ नहि अबितै आ जखन पेंटिंग आबि गेलै चाहे आओर चीजसभ जहन बाजार ओकर आबि गेलै तऽ लोक ओहि दिस जुटलै तऽ ओ एहि दुआरे ओकर सेहो क्षरण भेलै जे ओतेक काल ओ कुरुस लऽ कऽ की हेतै दूटा एकटा पेंटिंगके जब फोटो बना लेतै तऽ बिकाइयो जेतै फ्रेम मढ़ा देतै तऽ ई भऽ जेतै ओ भऽ जेतै बहुत तरहक ओ तर्क ओसभ देलनि लेकिन ओहो एकटा दौर छलैए आ एखनो ओ एकटा दौर छै तऽ बहुत हमरासभ तऽ बहुत रास जे छै से वाइड रेंजमे चलि गेलहुँ आ फेर की कहि सकै छी अहाँ तऽ बीमारी अइ जहन मतलब केओ बात करैवला अपना सन भेट जाइत आब फेर कनेक हमरासभ आब ई देखियौ कोन तरहक जे छै से हमरासभ कतऽ जा रहल छी हमरासभ गाँवमे जे छै से आब विवाहमे DJ बजा रहल छी आ जे काल्हि तक अपना ओहिठाम जे अंग्रेजी बाजा जकरा कहै छलियै ओ आब शहर पकड़ि लेलकै
शहरमे डीजे नहि बजै छै, शहरमे जे टटका धनिक भेल होइत या जिनकर कनेक स्टेटस नीचा छनि ओ डीजे बजाबै छथि, जे समृद्ध भऽ गेल छथि अंग्रेजी बाजा बजाबै छथि। शुरुआत तऽ अंग्रेजी बाजाके अपने सब ओहिठामसँ भेल छलै। खैर, किताब कएटा अयलै एखन तक अहाँके? हमर किताब एखन प्रकाशनाधीन अइ, एकटा मैथिली अकादमी सङ्गे मिलकऽ लिख रहल छी। फ्रेंचमे एकटा किताब आयल हँ, तऽ ओ हम छी, मार्टिन ली कोच छथि, हुनका सङ्गे लिखलहुँ, तऽ हमरा फ्रेंच नहि अबै छलै, लेकिन एहिठाके संस्कृतिपर ओ हमरा सङ्गे अंग्रेजीमे हम हुनका कहलहुँ आ ओकरा फ्रेंचमे लिखैत गेली। हँ, ओ कऽ कऽ लिखलनि हँ। दोसरो किताब एकटा आबि रहल हँ आ तेसर एखन अहाँके मैथिली अकादमीसँ ओ भऽ रहल अइ। रचनासभ हमर प्रकाशित होइत रहैए, किताब बेसी हम एखन तक लिख नहि सकलहुँ हँ, लिखब आगू। तऽ परम्परा हमरा अपन जे विचार, हम जे अपन रचनामे रखने छी जे हम एहि तरहक रचना करब, ओहिमे हमर मुख्य केंद्र रहत जे हमर परम्परा या हमर संस्कृति कतेक समृद्ध छलै, ई बात हम दुनियाके जनाबऽ चाहै छी। हमर मैथिल तऽ जानिते छथि, जानि कऽ अनठिएने छथिन अलग बात छै, लेकिन अहाँ एकौटा एहिठाँके जे देखबै व्यवहार, किछु अपवाद छोड़ि दियौ, हरेकमे वैज्ञानिकता छै। हरेकमे अहाँ देखबै जे जहन अहाँ कसौटीपर ओकरा कसबै तऽ अहाँ लागत अहाँ भोरेसँ उठि कऽ, जे हमर सबके दिनचर्या छलै कोना भोरे, सभक आचार संहिता छै यौ अपना सबके, भोर उठऽसँ लऽ कऽ ओछाओन कऽ सुतऽ तकके बेरके, आ एतेक साधल छै, सोधल छै, जकर कि अहाँ वर्णन नहि कऽ सकै छी। से हम छोड़ि देलहुँ, हम बेड टी लेबऽ लगलहुँ, हम 12 बजे सुतऽ लगलहुँ, रातिमे हमरा सबके मोन अइ जे हमसब 9 बजे तक हमरा सबके माय सुता दै छलै जे 3 बजे भोरे उठिहऽ, 3 बजे उठिकऽ हमर भाय सब उठिकऽ पढ़ऽ लगै छलाह, पड़ोसमे देखै छलै पराती उठि जाइ छलैए, हमर बाबुओ जागि जाइ छलखिन हँ, सब माने प्रातः ब्रह्म मुहूर्तमे उठनाइ। आब हम छोड़ि देलहुँ सबके। भविष्य केहन देख रहल छी मिथिला पेंटिंगके? मिथिला पेंटिंगके भविष्य जाहि तरहें पतक्खा जकाँ उधिया रहलैए ने, ओतेक बढ़िआँ हमरा नहि लागि रहल अइ, नहि लागि रहल अइ। देखू देवालपर जे एना भऽ रहलैए ने, कने काल ठीक छै, लेकिन पेंटिंग ओ चीज नहि छै, पेंटिंग पोचारा नहि छै यौ, पोचारा नहि छै पेंटिंग। पेंटिंग बड कठिनसँ लोक कलाकार बनै छलैए, 5 दिन लोक, मास दिन लोक ट्रेनिंग लै छै, कहै छै कलाकार किछु बना देबै तऽ पेंटिंग भऽ गेलै। अहाँ देखू गोदावरीजीके पेंटिंग, अहाँ देखू जगदम्बा देवीके पेंटिंग, अहाँ पद्मश्री सीता देवीके पेंटिंग देखियौन, बौआ देवीके देखियौन, बौआ देवीके, ओ सब ओहिना कलाकार कतेक साधना केलखिन हँ बौआ देवीके। बौआ देवीके जहना देखबै ने तऽ गजबके महिला छथि, कोन महिला हुनका धैर्यमे ठठत यौ, जाहि तरहक ओ धैर्य सङ्गे ओ बनेली हँ, अपनाके ठाढ़ कयलनि हँ, ई मिथिलानिये टासँ सम्भव छै। तऽ हम एकर जे देवालपर जे ओना भऽ रहलैए, हम ओहिसँ सहमत नहि छी, हमर अपन व्यक्तिगत विचार अइ। बहुत सुन्दर विचार अइ, आओर ई एकटा जवाबेमे एकटा जे छै से जवाब हुनका लोकनिके लेल जे सफलताके जे शॉर्टकट तकै छथिन, जे सफलता तुरन्त भऽ जाय, आओर जिनका सुर नहि लगनि, आवाज बढ़िआँ, आब हमहूँ अगर गाबि कऽ कहऽ लगियै जे हम कलाकार भऽ गेलहुँ, गायक भऽ गेलहुँ, 4-5 लिख लेलहुँ तैँ हमहूँ गीतकार भऽ गेलहुँ, हारमोनियम पर हाथ चलैए नहि, बड़का भारी सङ्गीतकारमे अपन नाम हम देबऽ लगलियै, तऽ एहन एहन तरहक 6 महीनाके डिप्लोमा कोर्स हम हिनके लग आबि कऽ कऽ लेलहुँ, हम कलाकार भऽ गेलहुँ, तऽ एहन तरहक चीज नहि। अगर साधनामे जहन जेबै तऽ युग बीत जाइ छै एकटा चीजपर रिसर्च करैमे, आओर ताहिके बादो जे छै तहन तऽ आब सम्मान जे छै से तऽ सम्मानो कतौ नहि कतौ बिकाइ छै, मुदा हमरा लगैए जे एकटा कलाकारके एकटा कैनवासपर अपन पूरा लाइफ जे छै
से ब्रश चलाबैत चलाबैत शायद ओ एकटा तस्वीरके पूरा नहि कऽ पौते। सही बात, एकदम सही बात छै। तऽ बड्ड कठिनसँ लोक कलाकार बनै छै यौ, शॉर्टकट कतौ नहि चलै छै। अन्तमे ओहि बच्चा सभक लेल जे एहि विधामे आबऽ चाहैत होथि, हुनका सभके की कहबनि? ओ परिश्रम करऽ पड़तनि, परिश्रम करऽ पड़तनि, किएक तऽ देखू कतेक परिश्रम केलनि हमर सभके पाछूके जे छथि खाड़ीके पद्मश्री सभ महिला सभ, तखन आइ हुनका सभके पद्मश्री भेटलनि हँ। आ केओ एखने चाहतै खट दऽ, शॉर्टकट नहि चलै छै, बड्ड साधऽ पड़ै छै। हमरा एकटा IIT के विद्यार्थी एकटा टी शर्ट देलनि, कहलनि कि जे हमरा एकटा एहिपर डिजाइन बना दिअ, बना देलियनि हमरा मुश्किल से आधा घंटा लागल हँ, तऽ एकटा मोटिफ हम बना देलियनि। टका कहलियनि जे आपको तो 20 मिनट लगा है, इतना पैसा क्यों? कहले बाबू इस उंगली को साधने में 40 साल लग गए हैं, तब जाके मैं आज 20 मिनट में आपको ये बना के दे रही हूँ, आप बना के दिखा दो, मैं जो तुम बोलोगे मैं आपको दे दूंगी। तो इस साधना छे बड़ कठिन से लोग कलाकार बने छे, चाहते लोग चटपट हम तो चटपट, तो हमरा कोनो भविष्य एकर जे तरहक आबि रहले है, हाँ संभावना छे, संभावना छै। तऽ किएक तऽ एहि दुआरे जे हमरा सामनेमे एखनो बौआ देवी छथि, हमरा सामनेमे एखनो पद्मश्री गोदावरी दत्त छथि, जिनकर साधनाके हम देख रहल छियनि, आ हमसभ ओहि हुनकर बादक खाड़ीके लोक छी, तऽ एखनो हमरा सभ सन कलाकार सभ छथिन जे साधनामे लागल छथिन, हुनका ओहिसँ नहि बहस छनि जे हमरा भेटा नहि भेटा, हमर काज छी। आ दोसर अहाँ एकटा बड़ सुन्दर गप कहलियै जे एहिठामके स्त्री अबला केना भेलै यौ, यौ जे घरमे एक साँझ चूल्हा जरैत रहै, साँझक साँझ उपास पड़ैत रहै, मिथिला पेंटिंग बोले दुनू साँझ चूल्हा जरऽ लागल रहै, जरल मतलब धियापुता पढ़ऽ लगलै, जीवन स्तर सुधरलै। आ हमरा लोकनि, हमरा तऽ छोड़ू जे बहुत एहन महिला छथि जे पूरा परिवारके परवरिश एहि कमाइसँ भऽ रहलनि हँ। हमर जे हम बेर बेर हमरा लोक कहै छथि जे अहाँ मतलब अपन PhD एहि विषयके किया रखलहुँ, हमरा एकेटा छलए जे एहि कलाकारके लोकके लोक बेचारी नहि बुझू, बुझै छलै कि किछु नहि बुझैत हेतै, एना फूल फाल टेढ़ सोझ बना लै छै तऽ कलाकार भेलै नहि। अन्तमे एकटा संक्षेपमे जे छै से हम अहाँसँ जवाब लेब जे कि कलाकारके जे छै से मेहनतनामा नहि भेट पाबि रहल छै, केओ गोटा आओर लऽ कऽ चलि जाइ छै, 3 टकामे लऽ जाइ छै, 30 टकामे बेचै छै, कलाकारके 3 टका भेटै छै, ई एकरा लेल की कयल जाय? एहि लेल सरकार प्रयास कऽ रहलैए आ सरकारके करऽके चाही, जाबे सरकार नहि पहल करतै ताबे तक सरकार की करतै यौ। देखियौ जे पहुँच गेल छथिन ऊँचमे हुनकर शोषण नहि केओ कऽ सकै छथिन, तहन बड़ी मछली छोटी मछली पैघ माछ छोट माछके खाइ छै ओ अलग बात छै, लेकिन हुनकर शोषण नहि केओ कऽ सकै छै, शोषित छै बिचला कलाकार जकरा प्लेटफॉर्म नहि भेटल छै, ओकरे हाथक पेंटिंग अहाँ देखबै अहाँसँ 500 लऽ जायत, तऽ 5000 कलाकार तऽ ओतेक किए तऽ कए ठाँ बटाइ छै ओ कमीशन, जे कीनकऽ लऽ गेलै से, जकरा देलकै से, तकरा देलकै से, एहि मामलामे अहाँके अमेरिकन सभ तैयो ईमानदार जतेक विदेशी है, सब सब कला कला के कम से कम कद्र करे छे, एक एक टा पेंटिंग के अहा के एक बेर में अहा के लो ले, जेना हमर एक टा पेंटिंग की लो त अहा के ततबा पाई द दे जे अहा के मन प्रसन्न भ जाए, जेने एतबा हमर मेहनत लागल है, ओकरा बाद जखन ओ बिकाई छे तो ओ सब अपन एक टा प्रोविजन रखने छे जे 33% ओ सब रखे छे आ 67% कलाकार के दै छै एकटा सर्टेन अमाउंट देला के बाद ओकर बाद
फेर मान लिया ओमे जे किनल किनने रहे ओ बेचलके जो फेर ओकरा प्रॉफिट भेले बेसी फेरो आबि कऽ दै छै। एक एकटा पेंटिंगको सब तीन तीन बेर हमरा पाइ आबि कऽ देलक हँ। ई ईमानदारी विदेशी रखै छै हँ, तहन ओहिठाँके पेंटिंग लए कऽ ने अहाँके मेहनत करऽ पड़ै छै। अहाँके परिवारके बड़ा नजदीकसँ हम देखै छी, पूरा परिवारमे जे छै अहाँके पिताजी लगसँ जे हम ली संगीत आबि रहल अइ। ओना तऽ अपना ओहिठाम तऽ पहिले जे केओ गोटा जन्मै छलाह तऽ जानकी कृपासँ सबके कंठमे सरस्वती रहै छलखिन, तऽ ताहि परिस्थितिमे डॉक्टर रानी झा गाबि दो बड़ सुन्दर छै हमरा बुझल अइ। तऽ हम चाहब जे किछु पराती कहने रहिए तऽ पराती तऽ सेहो दू लाइन सुनब आ तकरासँ किछु पारम्परिक जे छै, जेना हम बौआ देवीके सङ्गे बैसल रही तऽ हमरा कहलनि जे हमसब गीत गबैत रहै छलिए बौआ, लिखैत रहै छलिए, तऽ हम चाहब जे जँ अहूँ किछु एहन करै छलिए या करैत हेबै तऽ ताहिमेसँ किछु एकटा पारम्परिक भऽ जाय। देखियौ मिथिलाके जे गीत छलैए ने ओ सबमे एकटा सन्देश रहै छलैए, दुःख सुखसँ घबरेबाक नहि चाही, भगवान रामोके बोन काटऽ पड़ल रहनि। तब ओकर एकटा मायके मुँहसँ सुनल अइ, कमल नयन परदेश हे भामिनी, कमल नयन परदेश बनहि मेरा ता बन फल खेता बन बन फिरा थी नरेश हे भामिनी, कमल नयन परदेश। वाह कतेक प्रशंसा कयल छै, बहुत सुन्दर। और अहिना हम भगवतीसँ कामना करै छियनि जे विधाके अहाँ लऽ कऽ आगाँ चललहुँ हैं ओहि विधामे और आगाँ बढ़ी, और जे असंख्य जे लोक सबके मार्गदर्शकके रूपमे अपने आगाँ बढ़ैत जाइ छी, अहिना सतत यात्रा अहाँके अनवरत चलैत रहै। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ समय देलहुँ, एतेक फेर छल बातचीत कयलहुँ ताहिके लेल अहूँके बहुत बहुत धन्यवाद, हमरा लगमे अयलहुँ आ बातचीतके हमरा मौका भेटल। बहुत बहुत धन्यवाद। तऽ ई छलथि हैं डॉक्टर रानी झा, और सिर्फ एकटा मिथिला पेंटिंगके आर्टिस्टे मात्र नहि, कतेक बड़का रिसर्चर छथि, अपन कला अपन संस्कृतिके ओ निश्चित रूपसँ बातचीतसँ पता चलल हैत। और एक कलाकार एपिसोडमे, एक कलाकार अङ्कमे, दुलड़ी बेटीके एक कलाकारमे अगर केओ बेटा हेता तऽ दुलड़ुआ बेटा हेता, तऽ एक कलाकारके अङ्कमे अहूँ सबके स्वागत अइ। अगर अहूँ सबमे कला अइ तऽ ओहि कलाके कमसँ कम हम या हमसब मिथिला मिरर गुमनामीमे नहि रहऽ देतै, अहाँसब जतऽ रहब ततऽसँ हमसब ताकि हेरकऽ आनब, मुदा शर्त एकेटा जे ओ कला हेबाक चाही, जे 40 साल जे हाथ एक जगहपर एकटा कपड़ापर एकटा कार्डबोर्डपर जे स्थिर रहलैए ताहिके बाद 20 मिनटमे जे काज होइ छै, वा जे साल दर साल जे सीता देवी, बौआ देवी, गोदावरी दत्त, महासुन्दरी देवी, गंगा देवी, एहन एहन तरहक जे छै से लोकसब, तऽ ओ जे मेहनत छै तकरा आत्मसात करैवला जे लोकसब छी, सतत अहाँ लोकनिके हमरा ओहिठाम स्वागत अइ। नम्बर हमर डिस्प्ले कऽ रहल अइ, कतौके छी, केओ छी, मिथिलाके छी, सब गोटाके स्वागत अइ। सहयोगी धीरेन्द्र कुमार झा और राजीव चौधरीके सङ्ग हम ललित नारायण झा अपने लोकनिसँ एतहिए विदा लेब। कलाकारके अगिला अङ्कमे एहने कोनो सुन्दर सन दुलड़ी बेटी या दुलड़ुआ बेटाके लऽ कऽ अपने लोकनिक सोझाँ उपस्थित होयब। ता धरिके लेल अपने लोकनिसँ इजाजत चाहब, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।